उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में लापरवाही के कारण आज 25 स्कूल के बच्चों के साथ दो आदमियों की जिंदगी जाते जाते बची। आपको बता दें कि जिले के बासी तहसील के कस्बे में गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल है। आज विद्यालय में छुट्टी होने के बाद छात्रों को घर छोड़ने जा रहे स्कूली बस अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में पलट गई। बस पलटने की सूचना पर घटना के कुछ देर बाद ही मौके पर डायल 100 और थाने की फोर्स भी पहुंच गई। आसपास के लोगों की मदद से बस में सवार छात्रों और ड्राइवर व क्लिंजर को बस से बाहर निकाला गया। बस में करीब 25 छात्र सवार थे। बस ड्राइवर और क्लिंजर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी में इलाज के लिए ले जाया गया है। किस स्कूल की बस चलाते हैं आप? कहाँ आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? अस्पताल पे दो लोग आए हैं, ठीक है, जिनमें से एक आदमी का उसका दाहिना हाथ टूट गया है और इनको पूरे शरीर में चोट लगी है, ठीक है, इनको आवश्यक जो इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए गए हैं, इनका एक्सरे कराना पड़ेगा, फिर इनको हम रेफर करेंगे जिला अस्पताल। ये आज करीब 2:30 बजे की घटना होगी। ये गुरुकुल विद्यालय की बस है और बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी और डिसबैलेंस होके जो टिड़िया खुलिया है उसके पहले ही खाई में गिर गई है, जिसमें सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ड्राइवर और एक अन्य आदमी बैठा था जो घायल हैं, जिनको यहाँ PSC में दाखिल कर दिया गया है। कोई गंभीर बात नहीं है, सुरक्षित हैं सभी लोग। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।